गुरुग्राम की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए गुरुग्राम न्यूज चैनल को। लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, मैं हूं योगेश कुमार और आप देख रहे हैं गुरुग्राम का अपना पहला वेब न्यूज चैनल जहां दिखाई जाती है खबरें आपके शहर की। केंद्र सरकार द्वारा 3 अध्यादेशों को पारित किया गया जिसका विरोध आज आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम सोना चौक पर हैं जहाँ मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का पुतला फूंका गया और नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका गया। आप देख रहे हैं कि किस तरह से आम आदमी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और अलग अलग बैनर लिए हुए हैं। उनका कहना है कि एमएसपी को कानून बनाओ और जो इन्होंने तुगलकी फरमान लागू किया उसको वापस ले लिया जाए ताकि जो किसान हितैषी सरकार अपने आप को कहने वाली है उस तरह के कार्य वो कर सके। तमाम जो लोग हैं कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है ताकि किसी तरह की जो घटना है वो यहाँ पर ना हो और पुलिस बल के जो सभी जवान हैं यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ से जो है ये कार्यकर्ता मिनी सेक्रेटरी जाएंगे और डीसी को ज्ञापन सौंपेंगे राष्ट्रपति के नाम। और इनका कहना है कि जो पीपली में किसान के ऊपर लाठीचार्ज हुआ था उसका भी विरोध ये कर रहे हैं। इनका साफ कहना है कि अगर किसान हितैषी सरकार होती तो किसानों की ये हालत ना होती, किसानों को जिस तरह से बर्बरता से पीटा गया था ये उनका कहना है कि इस तरह से किसान हितैषी सरकार को नहीं करना चाहिए था। बातचीत करते हैं जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं उनसे कि किस कारण विरोध हो रहा है, सर क्या वजह है आज इस तरह सड़कों पर विरोध करना पड़ा? देखो, आज जो आम आदमी पार्टी की तरफ से काला दिवस मनाया जा रहा है क्योंकि जो राज्यसभा के अंदर ध्वनि मत से जो पास किए हैं कि मेजोरिटी बीजेपी के ना होते हुए भी ये काले कानून पास किए हैं, ये बहुत ही किसानों के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और पूरे पंजाब के अंदर पूरा विपक्षी दल इकट्ठा हो गया है और सारे के सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आज किसानों के साथ खड़े हैं, लेकिन हरियाणा में मुझे ताजुब है एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सिवाय 12 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आज किसानों के विपरीत खड़े हैं और किसानों के नाम पर वोट लेते हैं। और बड़े ही श्रम की बात है और आम आदमी पार्टी इस कानून का विरोध करती है और लगातार सड़कों पर इसका विरोध किया जाएगा जब तक ये कानून वापस नहीं होता। पारित हुए उनको किस तरह से किसान हितैषी नहीं मानते वो इसलिए नुकसान है किसानों का, एमएसपी खत्म की जा रही है। एमएसपी खत्म हो जाएगी तो मंडियां खत्म हो जाएंगी। हरियाणा में आप देख लीजिए लगभग 1000 मंडी है, अगर मंडी खड़ी हो जाएंगी खत्म हो जाएंगी तो आसपास की डेवलपमेंट भी खत्म हो जाएगी। और सिर्फ अब बिजनेसमैन पूंजीपतियों के हाथ में इस देश ने सारे के सारे इंस्टीट्यूशन हैंडओवर कर दिए। प्रदर्शन करते हो, अब यहाँ से कहाँ जाने वाले हैं? ज्ञापन डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में जाएंगे और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देंगे और हमारे सारे के सारे आदमी पैदल मार्च करते हुए सेक्रेटरीट में जाएंगे। यहाँ से अब निकल रहे हैं और डीसी की तरफ, डीसी जो मिनी सेक्रेटरीट है वहाँ डीसी को ज्ञापन सौंपेंगे, राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन है। और आप देख रहे हैं कि अब यहाँ से निकल चुके हैं मिनी सेक्रेटरीट की ओर। किसान विरोधी काले कानून के खिलाफ इन्होंने आज प्रदर्शन किया है और इनका साफ कहना है कि अगर ये अध्यादेश वापस नहीं लिया गया तो किसानों की हालत बद से बदतर होने वाली है। आपको हमारी खबर कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच सके। नमस्कार।